फ्रेंड्स, इस तरीके से लगाइए स्नेक प्लांट की कटिंग, कभी भी फेल नहीं होगी। तो वीडियो को आखिर तक देखिएगा, हम आपको पूरी जानकारी देंगे। फ्रेंड्स, आप बने हुए हैं मेरे साथ अपने यूट्यूब चैनल ग्रीन गार्डन पर। क्या आपने कभी स्नेक प्लांट को कटिंग से ग्रो किया है? अगर आपने स्नेक प्लांट को कभी कटिंग से ग्रो नहीं किया है, तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को स्नेक प्लांट को कटिंग से ग्रो करना बताऊंगा। तो मैंने यहाँ पर बहुत सारे स्नेक प्लांट लगाए हुए हैं, इन्हीं में से मैं स्नेक प्लांट की कटिंग लूँगा और आपको ग्रो करना बताऊँगा। अगर आप हम लोगों के चैनल पर पहली बार हैं तो हमें सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी वाला बटन दबा दीजिए, जिससे हमारी नई नई वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों, फिर मैं वीडियो की शुरुआत की देता हूँ। तो मैंने 4 स्नेक प्लांट की कटिंग ली हुई है। जब भी आप कोई भी कटिंग लगाएं तो दोस्तों 3 से 4 कटिंग जरूर लगाएं। जरूरी नहीं है सभी कटिंग लगें, इसमें से दोस्तों 2 या 3 ही कटिंग लग पाती हैं। मैंने 4 प्लास्टिक के पॉट लिए हैं, ये देखिए, इसमें मैं स्नेक प्लांट की कटिंग ग्रो करने वाला हूँ। और मैंने फिर लिए बालू, मैं बालू में स्नेक प्लांट की कटिंग ग्रो करूँगा। इसमें आपको कोई भी सोइल ऐड नहीं करनी है, कोई भी खाद मिक्स नहीं करनी है, ओनली आपको बालू लेनी है। आपको रिवर सैंड मिल जाए, रिवर सैंड भी काफ़ी अच्छी है। नदी की रेत में भी आप स्नेक प्लांट की कटिंग लगा सकते हैं। तो मैं इस प्लास्टिक में जो है बालू है उसको भर लेता हूँ अच्छे से। तो दोस्तों सभी कटोरियों में मैंने अच्छे से बालू भर लिया, ये देखिए। अब दोस्तों मैं इसमें करूँगा वाटरिंग। अभी आपको हल्की हल्की वाटरिंग करनी है इसमें। तो मैंने सभी कटोरी में अच्छे से वाटरिंग कर दी है। अब दोस्तों लेंगे हम स्नेक प्लांट की कटिंग। अब आपको इस तरह से स्नेक प्लांट की कटिंग को लगा देना है। तो चलिए फिर मैं स्नेक प्लांट की सभी कटिंग इस तरीके से लगा देता हूँ। और इन्हें हल्के हल्के हाथों से दबा दीजिए। अब फिर आपको हल्की फुल्की इसमें वाटरिंग कर देनी है। अब आप इनको ऐसी जगह रख दीजिए जहाँ पर हल्की फुल्की धूप आती हो। तो चलिए दोस्तों, फिर अपडेट के साथ मिलते हैं। तो दोस्तों ये 10 दिन बाद का अपडेट है, चलिए देख लेते हैं अभी इसमें रूट बनी है या नहीं। तो दोस्तों इसमें देखिए यहाँ पर थोड़ी थोड़ी रूट बनी है, अब चलिए इसे भी देख लेते हैं। तो दोस्तों इसमें काफ़ी ज़्यादा रूट बनी है, ये देखिए। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट करके बताइए आपको ये हमारा वीडियो कैसा लगा। तो फिर मुलाकात होगी किसी नई वीडियो के साथ, किसी नए टॉपिक पर। अगर आप लोगों की कोई क्वेरी हो तो दोस्तों आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद, थैंक यू।